सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अगर मेरे पास वजीर आजम का मनसब होता, इन दस्तावेजात के बदले में और ज्यादा मालूमात लेकर आता। कामयाबी का सिला आपको जरूर मिलेगा। सबाहतीन अब से शादी करना चाहते हैं प्यारी बहन। कैसी बातें करेंगे, हम पसंद नहीं करते उन्हें। अगर सईद पाशा वजीर आजम के ओहदे को कबूल करने के लिए राजी नहीं तो मैं ख्वाहिशमंद हूँ। मैं फहीम पाशा को तलाश कर रहा हूँ। चुप, ये नाम दोबारा मत लेना। क्या पता ये वही व्लादिमीर हो। वो आदमी पाया है तख्त और सुल्तान मुअज्जम का दुश्मन है। खदीजा सुल्तान भी महल जाना चाहती है। अगर ये आपके साथ सफर करेंगी तो महफूज रहेंगी। कल हमने खाने पर उन्हें महल मधु किया है और आप उन्हें लेकर आएंगे सबाहतीन। बहुत बहुत शुक्रिया वालिदा आपका। बल्गारिया के बारे में ये दस्तावेजात इज्जत पाशा लेकर आए हैं। इज्जत पाशा की इस मामले में कामयाबी के बाद वजीर आजम का इंतखाब करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है पाशा हजरत। जब तक हम इज्जत को माल देंगे वो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। हम कभी भी अपने गुलामों को भूखा रहने नहीं देते। शहजादी, जैसे ही आपकी वापसी होगी आपके हुक्म के मुताबिक आपको तलाक दे दूंगा। ठीक है। सबसे पहले हम उस तक पहुंचेंगे और पूछेंगे कि हमें क्यों तलाश कर रहा है। बल्गारिया के बादशाह को मदद ना मिली तो वो हरकत में नहीं आएगा। रूस को उनकी मदद के लिए आमादा करूंगा मैं। मैं तो आपको पाया तख्त के इलाके दिखाना चाहता था, लेकिन स्नेहा सुल्तान की दावत पे जल्दी पहुंचना चाहिए। फिर कभी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जब आप चाहें। अपना सर उठाइए और देखिए, इस जगह की हकदार हैं आप। हमने आपको देखा था, बाजार में आपकी सब्जियां गिर गई थी। जी बिल्कुल शहजादे। शहजादे, हम अपना तारुफ करवाते हैं। हम आबाजिया के खानदान से हैं। ये हमारी बहन शहजादी पाकीज़े और हम शहजादी एफसन। हम यहाँ स्नेहा सुल्तान की दावत पर आए हैं। तशरीफ आवरी का शुक्रिया। क्या आप बाजार में शहजादे अब्दुल कादिर से भी मिली थी? जी हाँ, उस दिन ये भी सबाहतीन के साथ थे।
सिर्फ एक ही मुलाकात में शहजादे ने आपको याद भी रख लिया। हमसे ज्यादा इन्हें हमारा भुअड़पन याद होगा। वजह जो भी हो, लेकिन शहजादे की तवज्जो हासिल कर ली है आपने। चले सनेहा सुल्तान की दावत में देर ना हो जाए कहीं। फूफी जान सबको हरम में जमा करके अहकामात दे रही हैं। आपकी फूफी जान हमारी खामोशी का फायदा उठा रही हैं और कहती हैं वो हमारी मदद कर रही हैं। बाबा ने जब से उन्हें हरम की जिम्मेदारियां दी हैं, उनका रवैया तब्दील हो गया है। यकीन कीजिए नाइमे, अगर आपकी फूफी जान ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाती तो हमें बहुत खुशी होती, लेकिन अभी हम उनके इंतजाम देखकर आ रहे हैं। वो एक दावत नहीं बल्कि शादी की तकरीब लग रही है। देखा हमने, उनका इरादा अतियात लेने का नहीं बल्कि दिखावा करने का है। उनका इरादा अतियात लेने का है या इसके पीछे कोई और मकसद है, हमें नहीं मालूम। फूफी जान दावत में सबको ये बताना चाहती हैं कि हरम के इंतजामात उनके हाथ में हैं। क्या आप ये होने देंगे वालिदा? खवातीन, शुक्रगुजार हैं हम। आपके अतियात उन लोगों तक जरूर पहुंच जाएंगे जो मदद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह आपसे राजी होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक बार फिर हम तहे दिल से आप सबके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। बिदार सुल्तान नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? उनकी तबीयत नासाज है इसलिए शरीक नहीं हो सकी। यकीनन उनके भाई की गद्दारी के सदमे ने उन्हें बीमार कर दिया होगा। बदकिस्मती, उनके दोनों भाइयों ने सुल्तान के साथ गद्दारी की। मैं आपको कहीं देख चुकी हूँ। हम तारुफ करवाते हैं, अबाजिया की शहजादी एफसुन और इनकी बहन शहजादी पाकीज़े। ये आज हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर दावत में शरीक हुई हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। पाए तख्त के दौरे पर हैं आजकल? जी हाँ बिल्कुल। बिल आखिर हमारा इंतजाम हो रहा है। कैसे इंतजाम बाजी? उस दुनिया में वापसी का जहाँ से हम आए हैं। पाशा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, जोहर की नमाज में तुम मौजूद नहीं थे। मैं मसरूफ था एक काम में, अब जाऊंगा। मेरे बेटे, तुम्हारा काम क्या है? जिन लोगों की महल में आमद और रफ्त होती है उनके नाम लिखते हो। काम इंतजार कर सकता है लेकिन नमाज नहीं, बिल्कुल नहीं। आप काम के लिए नमाज को नहीं छोड़ सकते बेटा। मेरी वजारत उज़्मा के दौर में जैसे ही अजान दी जाएगी हर शख्स नमाज के लिए दौड़ पड़ेगा, समझे बेटे? समझ गया पाशा। चलो जाओ अब। जैसा आप कहें। अल्लाह कबूल फरमाए, जाओ जल्दी जाओ। अब देखते हैं इज्जत साहब तुम किसके साथ काम कर रहे हो। कारासोवाफंदी, तो ये बात है तुम ऐसे यहां तक पहुंचे। देखना क्या करता हूं मैं अब। सईद पाशा, आप देख रहे हैं कि हमें आपके तजर्बे की सख्त जरूरत है। वजीर आजम के लिए आप हमारा पहला इंतखाब हैं। हम मुखालिफतों के बावजूद आपको ही मनसब देना चाहते हैं। आपकी जर्रा नमाजी को मैं कभी भी नहीं भुला सकता। जब हमने दफ्तर महसूलात की बुनियाद रखी थी तब आप दूसरी बार वजीर आजम बने थे। इस इदारे को खत्म करने का वक्त आ चुका है, क्या यह आपके हाथों नहीं होना चाहिए? पिछली बार मुझे वजीर आजम से हटा दिया गया था क्योंकि मैं आर्मीनियों को रोकने में नाकाम हो गया था। बद इंतजामी पर काबू नहीं पा सके थे आप। ऐसी गलतियों से मैं बहुत डरता हूँ मेरे सुल्तान, इसलिए मेरा मशवरा है ये जिम्मेदारी सलीम पाशा को दे दे, मैं उनकी मदद करूंगा। सलीम पाशा हमें भी पसंद है, वो एक ईमानदार शख्स है लेकिन तजुर्बेकार नहीं है। आ जाए,
आइए पाशा। सुल्तान मौजम, बल्गारिया के बादशाह का टेलीग्राम है। क्या लिखा है? बल्गारिया के देहातों को अफ्यून की काश्त रोका गया तो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। फिर चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, देहातों को पुरसुकून रखना नामुमकिन होगा। उनका कहना है कि हालात खराब हो जाएंगे। मतलब कि रियासत फितना फसाद का शिकार हो सकती है। क्या करना चाहिए हमें सईद पाशा? अगर मालूमात मुस्तनद है तो पीछे नहीं हटा जा सकता, वरना मुस्तकबिल में किसी भी मामले में हम उनसे एहतियात नहीं करवा सकेंगे। हमने पहले भी इस तरह के वाकयात देख रखे हैं। दुरुस्त कहा आपने। आपके तजर्बे की बुनियाद पर ही हमारी ख्वाहिश है कि वजीर आजम का मनसब आप ही संभालें। मेरे सुल्तान, अगर आपका हुक्म हुआ तो ये मनसब कबूल करने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन हम आपकी रजामंदी भी चाहते हैं। तो फिर एक बार और सोचने का वक्त दे मुझे। मेरे सुल्तान, आप सईद पाशा से इतना इसरार क्यों कर रहे हैं? वजीर आजम के मनसब से हटने के बाद इन्होंने बरतानवी सिफारत खाने में पनाह ली थी, परेशानी का बाइस भी बने थे हमारे लिए। ये सियासत है पाशा। हम क्यों सईद पाशा को वजीर आजम बनाने पर इसरार कर रहे हैं? जल्द जान जाएंगे आप। सुना है शहजादा अब्दुल कादिर की शादी होने वाली है। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। नायम सुल्तान की भी शादी नहीं हो रही। बेदार सुल्तान को इसका अफसोस हुआ होगा। बेशक, ठीक कहा। कहवे में कम चीनी पसंद करती हूँ मैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। बेटी लाइए, मैं तब्दील कर देती हूँ। बाकी से सुना आपने, शहजादे की अब तक शादी नहीं हुई है। सबाहतीन भी काफी अच्छे हैं, लेकिन ये एक शहजादे हैं, और आप जानती हैं ना कि शहजादे का मुस्तकबिल ज्यादा रोशन होता है। बाजी, आप क्या करना चाहती हैं? हम बस इतना चाहते हैं कि आप इस महल की मकीन बन जाएं। आ जाएं। आपको बंदूक के साथ पहली बार देख रहा हूं। पहले तो कभी इतनी मशक नहीं की आपने। क्योंकि पहले कभी हमारे अंदर इतना गुस्सा नहीं था। और क्या यह करने से गुस्सा कम हो जाएगा? हर गोली उस पर चलाते हैं हम। किस पर? फिरोजे से जिसने मोहब्बत की, ताकि वो आइंदा किसी से मोहब्बत ना करे। हम अपने हाथ से अपने दिल को मारते हैं। हमेशा गलत इंतखाब किया हमने। आसन से मोहब्बत में नाकाम हो गए हम। फिरोजे से भी मोहब्बत में धोखा खाया। आपकी वालिदा जल्द ही आपके लिए मुनासिब जौजा का इंतखाब करेंगी और आपकी शादी हो जाएगी। माजी को भूल जाएंगे। यही जिंदगी है मेरे भाई। हाँ तो कारासुआ फंदी, आपका रेलवे मंसूबा कैसा चल रहा है? असल मुद्दे की तरफ आइए महमूद पाशा। मुद्दा है इज्जत पाशा। क्या हुआ? आपको क्या लगा मैं आपके खेल को समझ नहीं सकूंगा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं महमूद पाशा। आप हमारे सुल्तान के पास चले गए। आपने कहा कि
फ्रांस, रूस और बरतानिया वजीर आजम के मनसब पर महमूद पाशा को फायज होते देखना चाहते हैं। मेरे पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है। चुप। पारवुस ने जाकर कहा था, आप दोनों के इरादे एक जैसे ही हैं, मैं जानता हूं। हाँ तो जनाब का रसूल, आपने इज्जत पाशा को वो दस्तावेजात दी हैं, उसे मदद फराहम की और उसका वजीर आजम बनने का रास्ता हमवार किया है। सही कहा ना मैंने? आप क्या बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। जनाब का रसूल, आप खुद को जितना अकलमंद समझते हैं उतने हैं नहीं। साफ साफ कह रहा हूं, अब आप इज्जत पाशा को रास्ते से हटाने के लिए मेरी मदद करेंगे, और अगर ऐसा ना किया तो मैं सुल्तान को आपके बारे में तफसील बता दूंगा कि आप दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, और फिर वजीर आजम के मनसब के उम्मीदवार इज्जत पाशा अगर आपको बचा सकें तो बचा लें। मेरे बारे में आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। देखिए जनाब का रसो, अगर मैं वजीर आजम बन गया तो आपकी हिफाजत करूंगा और आप खामोशी के साथ अपने काम में मसरूफ रहेंगे, इसलिए कि आप उस्मानी कौम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आपको पारवुस का साथ छोड़ना होगा। जैसा मैं कहता हूं वैसा करें जनाब का रसू, वरना तैयारी कर लें पाया तख से फरार होने के लिए, ताकि आपको जिंदान में सड़ना न पड़े। तो चलिए बात करते हैं महमूद पाशा। बल्गारिया के बादशाह फर्डिनेंड को रूसी हिमायत से मुतालिक आगाह करें। अब्दुल हमीद को वो जब भी खत लिखता है उसके आखिर में लिखता है, आपका खादिम फर्डिनेंड। अगर हम उसकी भरपूर मदद ना करें तो याद रखिएगा वो कभी भी फसाद नहीं करेगा, बल्कि वो अब्दुल हमीद का खादिम बनकर उसके खिलाफ होने वाले फसाद को हर तरह से रोकने की कोशिश करेगा। अगर रूस की मदद काफी नहीं है तो उनसे कहें कि बरतानिया और फ्रांस भी उनकी हर मामले में हिमायत करेंगे। उनकी जानिब से जमानत देता हूं मैं। इज्जत पाशा की अहलिया ने 3 बार कहवा वापस किया है, अगर अभी पसंद नहीं आया तो कहूंगी खुद बना ले। हाँ ऐसा ही करना चाहिए। पाशा हजरत के बेगमात के अलावा वहाँ 2 मेहमान और भी हैं, और वो दोनों बहने हैं, पहले कभी नहीं देखा मैंने। सही कहा तुमने, मैंने भी नहीं देखा। वैसे दोनों बहुत खूबसूरत हैं। क्या लगता है बिदार सुल्तान क्यों शरीक नहीं हुई? हाँ मुझे लगता है स्नेहा सुल्तान और उनके बीच कुछ हुआ है। अरे बातें करना बंद करो और जल्दी जल्दी अपना काम करो। तौबा तौबा कितना बोलती है ये लड़कियाँ, काम में तो ध्यान ही नहीं है। तेज तेज हाथ चलाओ, जल्दी करो। हाँ जरा क्या आप मुझे काली मिर्च ला कर देंगी? बेलूल बेटा मुझे गाजरे ला कर दो। बेलूल अभी लाया उस्ताद। गाजरे दो मुझे। खुशामदीद। हमें लगा आप शरीक नहीं होंगे, लेकिन आपके तशरीफ लाने पर खुशी हुई हमें। नाइमे हम आपकी दावत में नहीं बल्कि उस दावत में शरीक हुए हैं जिसका हुक्म रब ने दिया है। जितना अतिया यहाँ इस दावत में जमा होगा उसके बराबर हम उसमें शामिल करेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। आप बहुत अजीम है सुल्ताना। मलिका हम और हमारी बहन आज आपके हरम में मौजूद हैं, ये हमारे लिए फखर की बात है। अबाजिया की शहजादियां हैं ये, एफसून और पाकीज़े। खुशामदीद, आपसे मुलाकात हमारे लिए भी बायस फखर है। आइए आप हमारे साथ तशरीफ रखिए।
दोनों एक जैसे थे लेकिन हमेशा बटे रहे। आप आसमान और हम समंदर, दोनों का रंग ही नीला है, लेकिन दरमियान में मीलों की मुसाफतें हैं, उनका मिलना भी नामुमकिन है। वो सब हमारे ख्वाब थे कमालुद्दीन। वासफी पीछे रह गए हैं और नायमे भी आपका वहां इंतजार कर रही होंगी। चलें किसी और जानिब चलते हैं, हम वहां चलते हैं जहां आसमान और समंदर मिल जाएं। हम अपना मुस्तकबिल खुद तय करेंगे। देखिए ये आखिरी मौका है हमारे पास और हमें इस मौके को हरगिज नहीं गंवाना चाहिए। जैसे ही वो नजर आए गोली मार देना उसे, वो यहीं कहीं हमारा मुंतजर होगा। जो हुक्म आपका। अपने हाथ ऊपर करो, पिस्तौल फेंक दो। तुम्हारी भलाई है। साहब को तो भी ढूंढ रहे थे ना। पिस्तौल नीचे फेंको। तुम तो मर चुके थे ना। मैं मरा ना दफन हुआ। मेरा नाम मैयत है। नीचे करो। ये लो, तुमने उसे मार दिया। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी जान जाओगे। गलत, बहुत गलत बात है। किसी इंसान को इस तरह नहीं मारना चाहिए। काफी है, रुक जाओ। तुम मुझे तलाश कर रहे थे बिलाद अमीर, क्या इसकी वजह बताओगे मुझे? हमारे साथियों को तुमने मार दिया। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या अपने मालिक का नाम बताओगे मुझे? मैयत आफंदी, लगता है इसके कान पर ज्यादा मारा है तुमने। नहीं, कम मारा है। अपने मालिक का नाम बताओ, कौन है? परवुस। परवुस? तुम्हारा मालिक हमें ढूंढ रहा है, तो हमें जाकर उसे मिलना चाहिए। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या
क्या बगैर जहमत दिए हमें बताओगे? तुम्हारा मालिक कहाँ मिलेगा? हमें तशद्दुद बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हम उस्मानी अशराफिया से हैं। सही कहा ना मैंने? जी बिल्कुल जनाब। कहा आपने? मेहरबानी करो बता दो हमें। रूसी सिफारत खाने गया है। आला, तुम्हें तुम्हारे मालिक के पास ले जाएंगे। क्या आप तशद्दुद करके इसकी जान लेना चाहते हैं मैयत अफंदी? लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, तशद्दुद में भी खूबसूरत रंग होने चाहिए। दुरुस्त कहा ना? सही कहा जनाब। आपको भी समझ में आ जाएगा। तो क्या रूस की जानिब से बता दिया गया क्या आप बल्गारिया की हिमायत करेंगे? अगर बल्गारिया का बादशाह बगावत के लिए राजी हो तो हम असलहे और अपने फौजियों के जरिए उनकी मदद करेंगे। फिर जैसे ही अब्दुल हमीद अफ्यून की काश्त पर पाबंदी लगाएगा तो वो एक बड़ी आग में दाखिल हो जाएगा। बहुत उम्दा। इसे हमारे साथ भेजेंगे या आप ही इसका ख्याल रखेंगे मैयत अफंदी? आसिम को क्यों मारा तुमने? इसलिए ताकि तुम्हें मार सकूं। अच्छा, तो तुमने मुझे मार दिया? मैं समझ गया, इसका ख्याल रखें। मैयत अफंदी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस गुस्सा ज्यादा करते हैं। आप लुत्फ उठाइए लेकिन मुझे भी थोड़ा वक्त दीजिए। मशल है आपके पास? ये आपके लिए। शुक्रिया। फहीम नामी शख्स आपसे मिलना चाहता है। मैं नहीं जानता इस आदमी को। जनाब परवेज साहब से मिलना चाहता है वो। भेज दो उसे, इजाजत है। मैंने फहीम पाशा को तलाश किया, सब जानते हैं उसे लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा। दहल के 4 साथी कत्ल किए हैं उसने। मुमकिन है कि उसे हमारी तंजीम का पता चल गया हो। आखिर कौन है वो आदमी? कौन है ये आदमी? वही है जिसे मारना है। मालूम हुआ है मुझे तलाश कर रहे थे आप। वैसे ये तुम्हारे हाथ में मशाल क्यों है आखिर? मैंने तो आग तुम्हारे अंदर लगाई थी जो कभी नहीं बुझ सकती। मुराद,
मेरी तुमसे आखिरी गुजारिश है, ऐसी गुजारिश जो किसी से नहीं कर सकता, और ये आखिरी ख्वाहिश है मेरी। कहो क्या है? यहां उस्मानी बैंक में मेरी एक तिजोरी रखी है और उसकी चाबी मेरी जेब में, वो ले लो तुम। क्या है उसमें? उसमें तुम्हारे लिए एक मीरास छोड़ी है, एक निशानी है आसन की, और वो मेरे पास है। आपका साथी व्लादिमीर। व्लादिमीर मुझसे मिलना चाहता था, अल्लाह रहम फरमाए। वो तो बाद में मालूम हुआ कि वो नहीं बल्कि आप मिलना चाहते थे मुझसे। बराए मेहरबानी ऐसा ना करें पाशा, थोड़ा रहम करें। सारी जिंदगी रिश्वत लेने वाले इज्जत पाशा रियासत को आग में झोंकना चाहते थे, है ना? आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे जाने दें। आपको ये लगा कि मैं झूठ पर यकीन कर लूंगा? आपकी बुराइयों की धूल मुझ पर भी पड़ चुकी है। सब कुछ भूल जाए पाशा, वजीर आजम का मनसब आपका हो सकता है। वाह वाह वाह, दोबारा कहिए जरा। वजीर आजम महमूद पाशा मुझे माफ कर दें। वजीर आजम महमूद पाशा मुझे माफ कर दें। देखा वजीर आजम का लकब मुझ पर कितना जचता है। बिल्कुल बादशाह, तुम बहुत चालाक हो इज्जत। चलो, तुम कैसे इंसान हो? अगर तुम्हारे वालिद जिंदा होते तो इस शर्मिंदगी से मर जाते कि तुम्हारा नाम इज्जत क्यों रखा। सुल्तान माजम, बलकान में अफ्यून की काश्त पर पाबंदी का हुक्मनामा। अफ्यून की काश्त को हम रोक तो रहे हैं पाशा, लेकिन हमें उन देहातियों के बारे में सोचने की जरूरत है। दस्तावेजात के मुताबिक वो अफ्यून नशावर अशिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें सजा क्यों नहीं मिलेगी? गलत तो किया है, लेकिन वो आखिर हमारे अवाम है। हमारी हुक्मरानी का मकसद किसी को भी तकलीफ पहुंचाना नहीं है। हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है कि एक आला तरीन निजाम तरतीब दिया जाए, और कोशिश है कि तुर्कों का निजाम इस्लाम के कवानीन के ऐन मुताबिक हो। कुछ लोगों के ख्याल में सुर्ख सेब कोई शहर, कोई पहाड़ी है, या फिर कोई किला है। क्या आप जानते हैं सुर्ख सेब क्या है तहसीन पाशा? सुर्ख सेब पूरी दुनिया में एक नया आलमी निजाम कायम करने का मंसूबा है। ये उन लोगों का मरहम है जो जुल्म के सताए हुए हैं। इस्लाम के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ लड़ना, मजलूमों की दादरसी करना है। हम जालिम बनने के लिए नहीं बल्कि इस निजाम के लिए दरख्वास्त करेंगे पाशा। चलो अंदर चलो, जल्दी। सुल्तान मौसम, ये गद्दार हमारी तबाही का जरिया बनने वाला था।
क्या मतलब है आपका पाशा? मेरे सुल्तान, इस गद्दार इज्जत पाशा की तहकीकाती खबरें हमें किसी आफत से दोचार कर देंगी। कैसी आफत? वो तमाम दस्तावेजात जो बल्गारियों की अफ्यून की काश से मुतालिक लिखी गई हैं कि वो अफ्यून फरोख्त करके असलहा खरीद रहे हैं, सब जाली हैं। क्या ये सच है पाशा? महमूद पाशा पता नहीं क्या फरमा रहे हैं। ये अब दरोगोई कर रहा है मेरे सुल्तान। इज्जत पाशा ने जो दस्तावेजात जमा करवाई थी उनमें जिन मुजरिमों के नाम लिखे हुए हैं सबके सब फर्जी हैं। यहाँ लिखा है समोती गांव के ब्रांको क्रूम, और जब हमने तहकीकात की तो हमें ये पता चला कि इस नाम का कोई शख्स उस गांव में रहता ही नहीं है। इसके अलावा इज्जत पाशा की दस्तावेजात में लिखा है कि उस शख्स ने अफ्यून गैर मुल्की असलहा फरोशों को फरोख्त की है। एक और दस्तावेज में पेंका तोबो जो कि बावरना बंदरगाह का एक अफसर है। एक मुख्तसर सी तहकीक में यह जान लिया मेरे सुल्तान के इस नाम का कोई अफसर वहां तैनात किया ही नहीं गया। उन दस्तावेजात में यह भी लिखा है सुल्तान मौजम कि अफ्यून गैर मुल्की दवासाज इदारों को फरोख्त की गई है, लेकिन इजाजत नामे पर जिस शख्स के दस्तखत हैं उसका कोई वजूद ही नहीं। मैंने इस बारे में जो तहकीकात की है उसके मुताबिक आपको पेश की गई तमाम दस्तावेजात जाली हैं। ये सच है कि वो अफ्यून काश्त करते हैं, लेकिन वो अफ्यून उन्होंने हुकूमती दवासाज इदारों को फरोख्त की है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने उतनी ही अफ्यून काश्त की है जितनी हुकूमत उन्हें इजाजत देती है। आखिर आपने ये काम क्यों किया? कौन है आपके पीछे? इन्हें ये दस्तावेजात पारवुस ने दी है। उस पारवुस ने एक जानब मुझे वजारत उज़्मा के मुकाबले से बाहर कर दिया और दूसरी जानब इस इज्जत पाशा को जाली दस्तावेजात के जरिए वजारत उज़्मा का मजबूत उम्मीदवार बना दिया। क्यों पाशा, क्यों? आप भूखे हैं या गरीब हैं? रियासत का पाशा होना आपके लिए काफी नहीं था? आखिर क्यों धोखा दिया आपने हमें? क्या आपको इज्जत नहीं दी हमने? मेरे सुल्तान, माफ कर दे मुझे, गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था। हम गलती तो माफ कर सकते हैं, कोताही भी माफ कर सकते हैं, लेकिन रियासत से गद्दारी की माफी नहीं। निकल जाओ, माफी दो, ले जाओ इसे, गिरफ्तार कर लो इसे, ले जाओ। आपको इस अमल का बेहतरीन सिला दिया जाएगा महमूद पाशा। सुल्तान मौजम, मैंने ये सब किसी सिले की लालच में नहीं किया। मेरा मकसद आपको हमारी रियासत के खिलाफ एक निहायत खतरनाक और मुनज़्ज़म साजिश से मुत्तला करना था। वो बदबख्त चाहते थे कि आप उस इलाके में अफ्यून की काश्त पर पाबंदी आयद करें और फिर इस बहाने से वो आपके खिलाफ उस इलाके में बगावत का आगाज करें। सुल्तान मौजम, शुक्र है अल्लाह का कि आपको इस साजिश से बाखबर करके एक बार फिर खुद को काबिले एतमाद साबित किया है। व्लादिमीर मेरा बेहतरीन साथी था, खुदावंद उसे माफ करे। मुझे आपके बारे में मालूमात दी गई थी फहीम पाशा, जब आप मुखालिफ हो जाएं तो किस किस्म के इंसान हो जाते हैं जानता हूं। आप नहायत जालिम और सफाक बन जाते हैं। हो सकता है आप चाहते हों कि मैं आपका मुखालिफ हो जाऊं ताकि मेरे कत्ल का जवाब बन जाए, लेकिन आपकी तरह मैं भी हमेशा अकल से काम लेता हूं। आप जैसे दोस्त के लिए मैं हजार व्लादिमीर कुर्बान कर सकता हूं। दरअसल जब किसी को जिंदा जलाते हैं ना,
मालूम है बहुत शोर करते हैं वो। आपने मेरे साथी को जिंदा जला दिया और मुझे दिखा भी दिया, मुझे ये मुलाकात याद रहेगी। अरे बहुत शुक्रिया, आप मुझे तलाश क्यों कर रहे थे वैसे? पाया तख्त का आपके साथ बंटवारा करना चाहता हूं मैं। दरअसल मैं कोई तशद्दुद पसंद इंसान नहीं हूं, लेकिन आप यकीन करें मुहज्जब शहरी भी तशद्दुद के बगैर मुंह नहीं खोलते हैं। दिलचस्प है ना, यहां जलने की बू आ रही है, मुझे ताजा हवा की जरूरत है, चलता हूं मैं। मेरी पेशकश का क्या जवाब है पाया तख्त? क्या हम दोनों का होगा? फाड़ दिया हुक्मनामा हमने। हम उन देहातों पर अफीम की काश्त करने पर पाबंदी आयद करना चाहते थे, इस तरह उन देहातों को बगावत के लिए जवाज में असर आ जाता। हम जान गए कि वो बेकसूर हैं और उन पर जुल्म होने वाला था। अल्लाह हमें गैर मुनसिफाना फैसले करने से महफूज रखे तहसीन पाशा। आमीन। रियासती निजाम चलाने में यही सबसे मुश्किल अमल होता है पाशा। कौन सा अमल मेरे सुल्तान? आपका फैसला रियासत के हक में बेहतर लगता है। आपको मिलने वाली खबरें फैसला करने पर मजबूर करती हैं, लेकिन खबर गलत हो तो फिर आपका फैसला भी गलत हो जाता है। इस तरह जिम्मेदारी बोझ बन जाती है और ये बोझ आपको आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर देता है। हमने यहाँ पर जासूसी का निजाम कायम कर रखा है पाशा। एक जगह से मालूमात मिलने पर हम दूसरे जरिए से तस्दीक करवाते हैं, फिर फैसला करते हैं। लेकिन इज्जत पाशा पर भरोसा करके हमने गलती कर दी। महमूद पाशा का शुक्रिया मेरे सुल्तान। पारवुस इस मामले में दखल अंदाजी कर रहा है, वो बाज नहीं आएगा और बल्गारिया को बगावत पर उकसाएगा। लेकिन वो क्या करेगा? पारवुस का मंसूबा क्या है जानना ही होगा हमें। ये फहरिस्त उस असलहे और गोला बारूद की है जो बल्गारिया भेजा जाएगा। ये सामान उस्मानिया सल्तनत को धचका देने के लिए काफी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रूस ऐसे किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता मोहतरम। हर कोई खेल खेलना चाहता है। आप हुक्मरान से कह दें खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मैं आपको पाए तख्त में कदम जमाने का एक तारीखी मौका फराहम करूंगा। हमें खुशी है कि आपने अपनी जिंदगी के लिए अच्छा फैसला किया है। हम आज ही जाकर अफसुन खातून से मिलेंगे और बात करेंगे आपके क्या? लिए सिर्फ पाबंदी से वहां की आवाम को बगावत के लिए उकसाना मुमकिन नहीं है। यकीनन उन्हें किसी बैरूनी इमदाद की भी यकीन दहानी कराई गई होगी। आप रद्दी का कागज हैं, हमारे आला खानदान के अहल नहीं। कोई रोको इन्हें। तो आज की रात होगा एक मजेदार दौरा। चुप रहो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, अपनी ज़बान बंद रखो। मैंने कहा ना शोर मत करो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।